हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए आया हूं मैं एक हैवी ड्यूटी वाला एयर कंडीशनर जो कि ब्लू स्टार कंपनी का रहने वाला है। ब्लू स्टार जो रहने वाला है दोस्तों, वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट रहेगा और ये क्वालिटी जो रहेगी इसकी काफी बेटर रहने वाली है दोस्तों। यानी इसकी रिलायबिलिटी, क्वालिटी, बिल्ड क्वालिटी और सर्विसेज में आपको काफी अच्छी मिलने वाली है। ये आ जाता है दोस्तों एयर कंडीशनर जो कि ब्लू स्टार कंपनी का आ जाएगा और ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी के साथ में एयर कंडीशनर रहेगा जो कि 1.5 टन 3 स्टार रेटिंग के साथ में एसी आ जाएगा। सीरीज की बात करते हैं तो ये FNU सीरीज के अंदर आ जाता है। इसके अंदर आपको 1.5 टन और 1 टन दोनों के दोनों आपको मिल जाते हैं, लेकिन आज की जो वीडियो रहने वाली है 1.5 टन 3 स्टार रेटिंग के स्प्लिट एयर कंडीशनर के ऊपर ये वीडियो रहने वाली है। बेसिकली हम बात करते हैं इस मॉडल के बारे में और सीरीज के बारे में। तो ये जो FNU सीरीज है दोस्तों, ये 2023 की सीरीज है, लेकिन इसमें आपको लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग डेट होगी वो मिलेगी, यानी कि कंटिन्यू 2024 में भी ये मॉडल रनिंग किया हुआ है कंपनी ने। तो ये FNU सीरीज का आ जाएगा। सबसे पहले इस मॉडल के बारे में हम बात करते हैं तो ये लार्ज इंडोर और लार्ज आउटडोर के साथ में आपको मिल जाता है ये एसी दोस्तों। अब लार्ज इंडोर का और आउटडोर का फायदा दोस्तों ये होता है कि लार्ज इंडोर जो होगा वो आपको एयर थ्रो काफी बढ़िया दे देता है। साथ ही दोस्तों इसका जो आउटडोर होगा वो हीट एक्सचेंजिंग बहुत फास्ट कर देता है, क्योंकि कंडेंसर कॉइल जो कि काफी वो बड़ी हो जाती है, तो हीट एक्सचेंजिंग काफी फास्ट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको कूलिंग परफॉर्मेंस काफी बढ़िया मिल जाती है। साथ ही बात करते हैं कि ये जो 1.5 टन का एसी है वो कितने बड़े रूम के लिए बेटर रहता है। तो इस एसी को आप दोस्तों अप टू 170 स्क्वायर फीट के अंदर आप लगा सकते हैं। अगर आपका रूम बड़ा है तो आप अपने टनेज को चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों ये वाला जो एसी है कन्वर्टेबल मोड्स के साथ आता है, जो 1.5 टन का एसी है आप इसके टनेज को भी कम ज्यादा आप कर सकते हैं। बात करते हैं इस एसी के बारे में तो ब्लू स्टार का जो एसी आप देखेंगे इसका इंडोर साइज काफी बड़ा है, तो इसका ब्लोअर साइज भी काफी बड़ा मिल जाता है, जो आपके रूम के टेम्परेचर को बहुत जल्दी मेंटेन कर लेता है दोस्तों। इसमें आप देखेंगे तो एक गोल्डन कलर की एक पट्टी आपको मिल जाती है जो इसकी लुकिंग को और इनहेंस कर देती है दोस्तों। साथ में बात करते हैं इस एसी के अंदर तो दोस्तों ये हमें हिडन डिस्प्ले के साथ में एसी मिल जाता है। जैसे ही हम ऑन करते हैं तो इसके अंदर आपको टाइम टेम्परेचर दोस्तों शो हो जाता है। बात करते हैं इस एसी के बारे में तो 1.5 टन 3 स्टार रेटिंग के साथ में ये वाला एसी आ जाएगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी भी कम कंज्यूम करता है। इस एसी की बात करते हैं ISER लेवल की तो 3.98 इसका ISER लेवल आ जाएगा। बात करते हैं इस एसी के दोस्तों मॉडल नंबर की तो IA318FNU इसका मॉडल नंबर मिल जाएगा, जो कि लेटेस्ट आपको मैन्युफैक्चरिंग लेटेस्ट आपको मॉडल मिलने वाला है। बात करते हैं कि दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करता है तो 1002 ये यूनिट कंज्यूम करता है पूरे 365 डेज के अंदर। 365 डेज दोस्तों हम इसलिए बोलते हैं कि जो टोटल कैलकुलेशन होती है इसकी वो 8 महीने 8 दिन अगर हम कंटिन्यूअसली एसी को यूज करते हैं तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है, यानी कि दोस्तों 1600 घंटे की टोटल कैलकुलेशन होती है। यानी कि दोस्तों ये 1002 यूनिट जो होता है वो पूरे 1600 घंटे की कैलकुलेशन होती है। यानी कि कंपनियां जो होती हैं BEE गवर्नमेंट होती है वो ना अंडर टेस्टेड अलग अलग टेम्परेचर पर टेस्ट करती है इस एसी को हर एक कंपनी, तब जाके इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। जो यूनिट आती है 1002 यूनिट पूरे 1600 घंटे कंटिन्यूसली रन किया जाता है 24 डिग्री से लेकर के दोस्तों 40 डिग्री के बीच में। तो इतना एक टेंटेटिव आइडियल होता है कि 1002 यूनिट 1600 घंटे में कैलकुलेट, यानी कि 1600 घंटे में 1002 यूनिट ये यूज करेगा। अब अगर आप इसे दोस्तों अपने डेली यूजेस में निकालना चाहते हैं तो 1002 डिवाइडेड बाय 1600 घंटे, अब आपका एक घंटे का ये आ गया यूनिट। अब अगर आप डेली 10 घंटे यूज करते हैं तो इस एक जो यूनिट आपका निकल गया है मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 10 से, तो आपकी डेली की यूनिट आ गई कि डेली आपकी 5 यूनिट 6 यूनिट ये इतनी कंज्यूम करेगा। अब आप उसे मंथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए और जितने आपके हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, सपोज आपका जो बिल आता है दोस्तों वो 8 रुपए बिल आता है, तो उतनी आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका मंथ का बिल इतने का आएगा दोस्तों इसके अंदर। अब बात करते हैं इस एसी की हम दोस्तों कूलिंग कैपेसिटी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लार्ज इंडोर है तो इसकी कूलिंग कैपेसिटी भी आपको काफी बढ़िया मिलेगी। इस एसी की कूलिंग कैपेसिटी आपको 5150 वाट के अंदर मिलेगी, जो कि मेरे पास इतने सारे एसीज लगे हुए हैं एक दो ब्रांड को छोड़ के किसी के भी अंदर आपको इतनी 1.5 टन के अंदर कूलिंग कैपेसिटी नहीं मिलेगी दोस्तों। यहां तक कि आप देखेंगे डेक्कन और हिटैची के कुछ मॉडल्स के अंदर भी कूलिंग कैपेसिटी आपको 5000 और 5050 वाट के अंदर मिलेगी। तो ये हैवी ड्यूटी वाला एसी है दोस्तों, इसके अंदर आपको 5150 वाट के अंदर आपको कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी। इस एसी का जो कंप्रेसर है वो वेरिएबल स्पीड पर काम करता है, यानी कि वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला कंप्रेसर है दोस्तों। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी की जहां हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता है, नॉइस लेवल भी कम करता है दोस्तों, और मोर ड्यूरेबल होता है, परफॉर्मेंस के अंदर आपको काफी अच्छी मिल जाती है। अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे कम कंज्यूम करता है, सपोज एक फिक्स स्पीड वाला जो कंप्रेसर आता है और एक इन्वर्टर वाला कंप्रेसर आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स स्पीड कंप्रेसर के बारे में। तो दोस्तों जो फिक्स स्पीड वाला कंप्रेसर होता है, सपोज कोई एक इंसान है और वो कंटिन्यूसली अपनी हाई स्पीड पर रन कर रहा है, फिर थोड़ी देर बाद वो एकदम शांत हो जाता है,
फिर से वो रन कर रहा है, फिर से वो शांत हो जा रहा है, एक जगह खड़ा हो जा रहा है। सेम वो काम होता है दोस्तों फिक्स स्पीड एसी का, यानी कि एक बार उसने रन किया 100% पर, फिर से वो बंद हो गया। सेम है फिक्स स्पीड एसी भी ऐसे ही काम करता है कि आपने कोई डिजायर टेम्परेचर लगाया रूम के अंदर, वो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने में ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। फिर जब डिजायर टेम्परेचर बिल्कुल दोस्तों बढ़ने लगता है, जैसे 24 आपने किया था, जब वो 26-27 डिग्री होगा तब वो अगेन स्टार्ट होगा। तो ये होता है कि नॉर्मली उसके अंदर पावर ज्यादा कंज्यूम होती है, जैसे बंद हो रहा है ऑन ऑफ हो रहा है, तो उस कंडीशन में पावर ज्यादा कंज्यूम होती है फिक्स स्पीड के अंदर। वहीं हम इनोवेटिव टेक्नोलॉजी वाले कंप्रेसर की बात करते हैं, तो वो ना एक टेम्परेचर को मेंटेन करने के बाद, एक स्पीड को मेंटेन करने के बाद अपनी ना स्पीड को कम ज्यादा करता रहता है, यानी कि 100% स्पीड को वो 80 करेगा, 60 करेगा, फिर 80 करेगा, फिर 100 करेगा, फिर 40 करेगा, ना कि वो बंद होगा। तो इस कंडीशन में दोस्तों वो इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करता है, इसीलिए कंपनियों का फोकस भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी पर ही है कि इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करे। साथ ही बात करते हैं इस एसी के अंदर, तो ये R32 गैस यूज करते हैं जो कि इको फ्रेंडली गैस होती है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होती है, और घर में अगर बड़े बुजुर्ग और बच्चे हैं तो उनके लिए बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं होती है दोस्तों ये। साथ ही बात करते हैं इस एसी के बारे में, तो 100% कॉपर के साथ में एसी आता है दोस्तों, जिसमें आपको रस्टिंग का इश्यू नहीं आता और मोर ड्यूरेबल लॉन्ग लाइफ के लिए इसमें कंडेंसर कॉपर कॉइल चल जाते हैं दोस्तों। साथ ही इसकी जो कॉपर कॉइल होंगी उसमें कंपनी ने ना कोटिंग करी हुई है, एंटी कोरोजिव ब्लू फिन की कोटिंग करी हुई है, जो कि जो रस्टिंग वगैरह लगती है, कोरोजन वगैरह लगता है, उससे भी दोस्तों ये आपको बचा के देता है, यानी कि कोटिंग करी हुई है जो कि मोर ड्यूरेबल ये भी रहने वाले हैं, इसकी इंडोर टू आउटडोर तक दोनों में कंपनी ने कोटिंग की हुई है। साथ ही हम बात करते हैं और भी इस एसी के बारे में, साथ ही इस एसी के अंदर आपको स्मार्ट डायग्नोसिस फंक्शन मिल जाता है। बेनिफिट दोस्तों स्मार्ट डायग्नोसिस का ये होता है कि इसके अंदर एक तो आपको हिडन डिस्प्ले मिल जा रही है जहां आपको टाइम टेम्परेचर शो हो रहा है, साथ ही उसी डिस्प्ले के अंदर एरर कोड भी शो होते हैं। जैसे सपोज एसी के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो यहाँ पे एक एरर कोड बना हुआ आ जाएगा, फिर आप कस्टमर केयर पर आप जब कॉल करते हो उस एरर कोड के बारे में बताते हैं, जो इंजीनियर आपके यहाँ विजिट करेगा सेम इसी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग विजिट करेगा जो आपको एरर कोड शो हो रहा है। सपोज E0 E9 कोई भी एरर कोड आ रहा है दोस्तों, एरर कोड को आप जैसे ही इंजीनियर को बताते हैं तो आपको ना तुरंत का तुरंत सॉल्यूशन मिल जाता है उस चीज का। सपोज एसी के अंदर ना कोई पार्ट की प्रॉब्लम है, तो जब आप कस्टमर केयर पर कॉल करके बताते हैं कि ये एरर कोड इसके अंदर शो हो रहा है, तो जो इंजीनियर विजिट करेगा वो सेम उसी प्रॉब्लम के लिए विजिट करेगा और वो पार्ट लेके आता है। इसमें आपका भी टाइम बचता है और इंजीनियर का भी टाइम बचता है। साथ में हम देखते हैं तो इस एसी के अंदर हमें टर्बोकूल टेक्नोलॉजी मिल जाती है, जो कि इंस्टेंट कूलिंग चालू कर दी दोस्तों। जैसे कि गर्मियों के सीजन में बाहर से आते हैं और अपना फैन और कूलर हम जल्दी से चालू करते हैं तो तुरंत हमें गर्मी से राहत मिल जाती है। सेम है इस एसी के अंदर भी टर्बो मोड रहेगा दोस्तों, जैसे ही आप रिमोट में वो बटन प्रेस करेंगे तो एसी अपनी हाई स्पीड पर वर्क करने लगेगा और आपको तुरंत कूल करके दे देता है। साथ ही इस एसी के अंदर 4-in-1 कन्वर्टेबल मोड मिल जाता है, जिसकी सहायता से दोस्तों हम इसकी ना टनेज को चेंज कर सकते हैं और कूलिंग को ना एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि जैसे 1.5 टन का ये एसी है दोस्तों, उसकी कूलिंग को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं रिमोट के थ्रू। इसमें आपको 4 मोड मिल जाते हैं जिसमें एसी की कूलिंग को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि 40%, 60% और 80%। इस तरह से आप इसकी टनेज को चेंज कर सकते हैं जिसमें पावर सेविंग और काफ़ी बेटर आपको मिल जाती है। साथ ही आप देखते हैं तो सुपर एनर्जी एफिशिएंस के साथ में रहेगा, जो आपको पावर सेविंग करके दे देता है। हैवी ड्यूटी ये एसी रहेगा और इसके अंदर आपको फिल्टरेशन भी मिल जाती है, जैसे HD फिल्टर मिल जाता है आप, जो कि एसी में डस्ट से प्रोटेक्ट करता है। साथ ही दोस्तों हमें ना अपने जो फिल्टर होते हैं एसी के, हमें विद इन 7 डेज वो क्लीन कर लेने चाहिए, क्योंकि एयर में डस्ट बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से फिल्टर चौक हो जाता है और आपको ना कूलिंग परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा लो लगने लगती है। यानी जब हम एसी नया नया चलाते हैं तो एयर बहुत अच्छी मिलती है, लेकिन लॉन्ग टाइम के बाद एसी की ना कूलिंग कम करने लगता है, जिसकी वजह से ना डस्ट ऊपर चिपक जाए, तो हमें से ना क्लीन करना चाहिए हमें विद इन 7 डेज। साथ ही आप देखते हैं तो इसका जो कंप्रेसर है दोस्तों, उस कंप्रेसर के ऊपर ना कंपनी ने एक्वेस्टिक जैकेट दी हुई है, जो कि कंप्रेसर को दोनों तरफ से कवर किया हुआ है, जिसमें आपको लो नॉइस मिलती है और वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा कम ही मिलती है इस एसी के अंदर। अब बात करते हैं इस एसी की हम वारंटी के बारे में, तो इसमें आपको 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी मिल जाती है दोस्तों, और 5 ईयर की मिल जाती है इसमें आपको PCB की वारंटी, और 10 ईयर की इसमें आपको कंप्रेसर की वारंटी मिल जाती है। और ये इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी है, तो इसमें आपको स्टलपेज लगाने की भी कोई नीड नहीं है दोस्तों। अब बात करते हैं कि ये वाला जो एसी है वो कितने प्राइस के अंदर आपको मिलने वाला है, तो जो ये 1.5 टन 3-स्टार रेटिंग के अंदर ये वाला एसी है आपको, ये मार्केट में आपको 34,000 से लेकर के 36,000 के बीच में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग लेटेस्ट आपको मॉडल मिलेगा। जी दोस्तों, अगर कोई आप 1.5 टन में स्प्लिट कंडीशनर वो भी बढ़िया लेना चाहते हैं तो आप इस एसी के साथ बिल्कुल जा सकते हैं, परफॉर्मेंस इस एसी की बहुत ही बढ़िया आपको मिलने वाली है। और दोस्तों बात करते हैं इसमें ऑफर की,
तो इसमें दोस्तों अगर कोई क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं, अगर क्रेडिट कार्ड से आप पेमेंट करना चाहते हैं तो उसमें अप टू 2000 तक का आपको कैशबैक मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों अगर आप इजी ईएमआई आप कराना चाहते हैं तो कार्ड पे तो ऑटोमेटिक ईएमआई आपकी हो ही जाएंगी, लेकिन आपको हमारे पास में पेपर फाइनेंस भी अवेलेबल है, यानी कि ऑल बैंक के हमारे पास फाइनेंसर्स भी अवेलेबल है, बैंक से थ्रू भी आप हमारे पास फाइनेंस आप करा सकते हैं। हमारा जो शॉप का एड्रेस आ जाएगा वो C5/82/77 न्यू कोंडली मयूर विहार फेज 3 ईस्ट दिल्ली में हमारा एड्रेस आ जाएगा दोस्तों। यहाँ हमारी शॉप है, यहाँ से आप प्रोडक्ट डायरेक्टली भी आप परचेज कर सकते हैं, और अगर हमारी शॉप के नियर बाय रहते हैं तो इसमें हम डिलीवरी भी आपको फ्री लाइन करा के देते हैं दोस्तों। तो ये आ जाएगा इस एसी के बारे में। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अपलाइन से जानकारी इसी तरह से मिलती रहेगी दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।